तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मेरे हिसाब से अच्छे हो गए और अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हुए। जैसा कि आपको पता है, हमारी रिवीजन सीरीज चल रही है। किसके लिए चल रही है? SSC CPO एस्पायरेंट्स के लिए। लेकिन कुछ लोग हमारे चैनल पे हैं, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करने वाले लोग, तो वो भी इस सीरीज को देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 इसमें कह रहे हैं, पहला क्वेश्चन ही ये कह रहा है कि 25% कम माप की एक तरीके से तराजू युद्ध करता है। वो तराजू इन द सेंस, वो 25% कम तोलता है। ये मान लो, तो मान लो 1000 ग्राम था, 1000 ग्राम की जगह उसने 750 ग्राम दिया। ये हो गया इसका मतलब। अब देखो मूल्य, ये कह रहा है कि फिर वह अपनी वस्तु का जो क्रय मूल्य था वो 15% अधिक अंकित करता है। तो मान लो 100 था, 100 का वो कितना अंकित करता है? 115 रुपया। अब ये कह रहा है कि वही 10% की छूट दे देता है। तो 10% की छूट 115 पर कितने मिलेगी? तो कितना है 10%? 11.5 होगा 10%। इसको इसमें से घटा लो तो जो इफेक्टिव बच जाएगा वो कितना बचाएगा? 11 पॉइंट घटाओगे तो कितना बचाएगा? 103.5। अब सोचो, ये 1000 ग्राम को बेच रहा है 100 रुपये में, इसकी रेट है ये। अब ये इसको मिल कितने में रहा है? 750 ग्राम मिल रहा है कितने में? 103.5 में। अब ये कह रहा है कि उसका शुद्ध लाभ कितना था दुकानदार का? तो दुकानदार ने, भाई ये रेट है, अब जितना परसेंट बेचेगा उतना तो होगा। तो देखो, 1000 ग्राम बेचा है तो क्वांटिटी बराबर करो पहले। तो 1000 ग्राम का रेट कितना है वो ज्ञात कर लो। तो जब 103.5 जो कितने का? 750 का। तो 1000 का कितना होगा? मल्टीप्लाई कर लो 1000 से। अब काटा पीटी करनी है वो करो। 25 × 75, 25 × 100, 0 से 0 कट गई। इसको काटोगे, 3 × 9, 3 × 12, 3 × 5 = 15, ये आएगा। अब इसको गुणा करो, इससे करोगे तो आएगा 4 × 5 = 20, 2 पॉइंट से उठ जाएगा। 4 × 16 और 2 = 18, 1 × 4 = 12 और 1 = 13, 138। यानी 100 की वैल्यू उसने 138 में बेची है। तो कितना परसेंट हो गया? 100 पे 38 कितना हो गया? 38% सीधा सीधा प्रॉफिट हो गया। तो ये आपका आंसर हो गया। अब ये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल वालों को भी, ये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल जो हैं उनको भी देखना है ऐसा क्वेश्चन। जो लोग अपने CPO SI के हैं उनको भी देखना है क्वेश्चन। देखो ये तो बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, इससे भी गंदे गंदे क्वेश्चन आ रहा है। जैसे सीधा क्वेश्चन आ रहा है कि इतने का यूज़ कर रहा है और सीधा बता दो कितना परसेंट प्रॉफिट होगा। 1000 की जगह वो 750 दे रहा है तो बता दो कितना प्रॉफिट होगा। ये दूसरी लाइन तो ऐड भी नहीं कर रहा हो अभी CPO जो आ रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, कौन कौन देखेगा? जो दिल्ली पुलिस में वो भी देखो। इजी क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन देखोगे टिक्नोमेट्री के, कम से कम 6-6 क्वेश्चन आ रहे हैं आज के पेपर में। 6-6 क्वेश्चन आए टिक्नोमेट्री के, SCF SCF के 6 क्वेश्चन आए। ठीक है, तो मैं बता दूंगा, हाईलाइट कर दूंगा जो क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ऐसा क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में आप देखोगे तो cos थीटा, cos A, cos B, cos C बराबर 3 दे रखा है। तो इसका मान याद करना है। अब देखो, गौर करो, जब आपकी नज़र जाएगी पहले में तो भाई 3 कैसे आ सकता है कॉस में? कॉस का मैक्सिमम मान कितना था? 1। तो कॉस 0 को 0 0 रख लूँ मैं, एक भी किसी की जगह, तो 1 + A + 1 कितना हो जाएगा? 3। तो भाई 1 का मान कितना हो जाएगा? 0। बी का मान 0, कॉस 0 1 ही तो होता है। तो अब इसमें रख लो, जब साइन 0 + साइन 0 + साइन 0 रखो तो क्या आएगा? ये 0 0 तो होता साइन 0 का मान, तो 0 आंसर हो गया। सिर्फ पुटअप मेथड से कर लिया ना इसको, तो आपको तब पता चलेगा कि हर चीज़ फॉर्मूले से नहीं करनी अपने को, हर चीज़ बड़ी करके नहीं करनी, एक्सपेंड करके। कुछ क्वेश्चन अगर पुटअप करके हो रहे हैं टिक्नोमेट्री के तो वो आपको करने हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो, मैं 10 बज गए हैं किसी रीजन से, क्योंकि मैं ड्यूटी से आया हूँ, तो ड्यूटी से खा पी का मैं फ्री हुआ हूँ, तो मैं वीडियो बना रहा हूँ जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था, ठीक है। अगर आपको कुछ अच्छा लगा हो तो कमेंट करना, जिससे मैं बूस्टअप हूँ। अगर ख़राब लगा हो तो भाई वो भी कमेंट करना, ठीक है। अगर इस क्वेश्चन को देखते हैं तो ये क्वेश्चन देखो, ये कह रहा है कि 15 परिणामों का औसत 21 है और 7 का इतना है। तो देखो इसमें क्या है, तो इस क्वेश्चन में क्या है, देखो 7 का पूछ रहा है, 7 का ये दे रखा है, तो इसको तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लो। 7 का औसत कितना हो गया? 15 × 15 = 1, 35 = 315। अब ये कह रहा है कि पहले 7 ये हैं, तो पहले 7 का फटाफट कर लिए 147, यहाँ पे अंतिम 7 140, दोनों जोड़ोगे 287, ये हो गया। अभी 8वां पूछ रहा है तो फटाफट करा करो। तो 315 में से जो बचेगा वो 8वां है। अब देखो इकाई का अंक कितना है? 5, और 7 घटेगा कितना है? 8। तो 8 इकाई का अंक एक ही है, तो फटाफट ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो। देखो स्पीड बढ़ती इसलिए जाती है क्योंकि जो चिंदी क्वेश्चन होते हैं वो चिंदी तरीके से करने होते हैं। जैसे ये क्वेश्चन अच्छा है तो इस क्वेश्चन को मैं आराम से कराऊंगा। देखो ये क्वेश्चन देखो, दोनों देखना, कांस्टेबल वाले भी दिल्ली पुलिस वाले भी। अब देखो ये कह रहा है कि AB जो है व्यास है, ठीक है, CD एक जेब है, ओके। अब ये कह रहा है कि जो केंद्र O से प्रतिफेस करती है, ओके, ठीक मान याद करना। अब देखो, अब आप देखोगे ये जीवा, इस जीवा द्वारा वृत्त पे बनाया गया कोण एक तो ये है
और इसी जीवों द्वारा केंद्र बनाया गया ये हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, जब ये 40 है तो ये 40 हो जाएगा, इतना समझ आ गया। अभी देखो ये क्या है, ये एक जीवा द्वारा व्रत की परिधि पर बनाए गए कोण बराबर होंगे, जैसे ये थीटा है और ये बनाया गया तो ये भी थीटा होगा और ये भी थीटा होगा, मतलब इसके दोनों सिरे से जो भी तीर मिल रहे हैं जाके वो थीटा थीटा होंगे, ठीक है, ये 40 हो गया। ऐसे ही जो थीटा बन रहा है उस पर फोकस करो, वो कौन बना रहा है, ये तो बना रही है ये वाला थीटा, ये वाला और ये वाला, तो जब ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब देखो ए बी क्या है, व्यास है, ए बी क्या है, व्यास। अब देखो ये ए बी है और यहाँ सी है, तो भाई ए बी यहाँ पे आपको एक चीज़ याद होगी कि व्रत के व्यास से व्रत की परिधि पे बनाया गया कोण कितना होता है 90 डिग्री, तो यहाँ पे 90 हो गया, 90 बराबर क्या हो जाएगा 40 प्लस थीटा, ये क्या हो गया, ये टोटल कोण, तो भाई थीटा बराबर कितना आ जाएगा 50 डिग्री, कोई दिक्कत, आई थिंक आराम समझाया। अगला क्वेश्चन देखो अगला क्वेश्चन देखो, ये कह रहा है कि ये 5 क्रिकेटर हैं, शतकों की संख्या दी हुई है, अभी ईयर वाइज शतक दे दिया है, वगैरह किस वर्ष में अधिकतम शर्त लगाए, तो भाई जोड़ लो इनको, जो ज़्यादा आएगा वही है, तो इसमें देखो 2, 3, 5 आ रहा है, इसमें एक, इसमें तो 2019-16 आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, ये कह रहा है कि 108, 72 और 5 का SCF लेना है, SCF, और इसका लेना है LCF, ठीक है। अब देखो इसके 5 क्वेश्चन आए हैं, 5 क्वेश्चन कम से कम SCF LCF के, मतलब एक शिफ्ट में 3-3 क्वेश्चन आए, कम मिनिमम से मिनिमम 3 से 5, ठीक है। अब इसको देखो 108, 72 और 5 का अपन SCF निकालेंगे, SCF, तो SCF में अपन इसका देखो क्या होता है, 36 3 और यहाँ 36 2, अपने को जो चीज़ निकालनी है, जैसे ये जो है वो कट, इनका गुणनखंड नहीं होना चाहिए, तो 5 और ए ऐसा है जिसका गुणनखंड होगा, तो 2, 3, 5 के हिसाब से देखें तो 36 आ रहा है सब में, यहाँ पे 36 होना चाहिए, तो ए बराबर 36 मान लेते हैं, ठीक है, सपोज किया है, क्योंकि यहाँ कुछ भी हो सकता है, अगर छोटी संख्या होती है तो छोटी का रखनी पड़ती है अपने को, ठीक है, ये सपोज किया है। तो अब देखो इसमें कह रहा है ए इनका कितना होगा, तो 36, 108 और 72 इनका SCF कितना होगा, तो 36 सब में को बना रहा है, ये जहाँ लिख दो यहाँ जो आएगा उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 36 2 1, ठीक है। अब देखो 3 2 6, तो 6 × 36 कितना हो गया, 6 × 36 216 216 आंसर आ रहा है, ठीक है, ये तो अपन ने गैस करके कर लिया। अब ये मतलब गैस इन द सेंस देख के किया। अगला, अगर आपको नहीं ऐसे समझ नहीं आ रहा तो आपको क्या करना है, LCM जो होता है, जो LCM जो आएगा, LCM जो आएगा उसमें हर संख्या का भाग जाएगा, जैसे 72 है तो 72 का भाग भाई 108 में दिया नहीं जाता, ऑब्वियसली नहीं जाएगा। अब इसमें दिया तो इसमें देखो आप लगाओ 7 × 2 = 14 होगा, 1, 7, 5, 35, 36 आएगा, तो इसमें भी नहीं जा रहा, इसमें लगाओगे तो चला जाएगा, इसमें जाओगे वो भी नहीं जाएगा, कि तो अपने सारे चेक कर लिए और ऐसे करके कर सकते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन आप देखोगे तो ये कह रहा है यदि एक संख्या है वो आपकी 132 से विभाज्य पी का मान ज्ञात करना है, ठीक है। अब देखो इसी जी क्वेश्चन को, इसमें आपको देखो कुछ नहीं करना, 132 है तो 132 का क्या आप फैक्टर करोगे तो क्या हो जाएगा भाई, एक तो 2 आ रहा ही आ रहा है, 11 × 12 करोगे ना, ठीक है। अब 12 में 2 आ रहा है, सबसे पहले 2 दिखा आपको कि भाई 2 से तो जा रहा है, अब आपने फटाफट देखा कि यार पी का मान अगर 2 से हो रहा है, 2 से तो फटाफट इकाई अंक हो जाए, तो इकाई अंक सारे ही मतलब 3 को हटा के सारे 2 का भाग जा रहा है पी की जगह, तो अपने 2 देख लिया। अब देखो यहाँ पे 12 आ रहा है तो उसमें 4 का भी जा रहा है, तो आपको पहले 2 और 4 इकाई अंक को ध्यान रखना है, तो 4 में क्या करते हैं, लास्ट के 2 डिजिट में भाग जाना चाहिए, तो 3P में भाग जाना चाहिए। अब रख के देख लो, इसको रखोगे 34 आएगा पहला ऑप्शन, तो पहला ऑप्शन गलत होगा, 34 भाग ही नहीं जाता, दूसरा करोगे 32 आएगा, तीसरा करोगे 36 आएगा, ठीक है, तो इनमें से होगा कुछ, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब आपको अगला जो करना है वो 11 का डिवाइड करना है, तो 11 का फाड़ा पढ़ो, 2 ऑप्शन तो यहीं कट गए ना आपके, अब बचे कौन से, ये बचे और ये बचे। अब 11 का करना, तो 11 का क्या होता है, 11 से अगर कोई संख्या डिवाइड है तो वो उसके इवन यानी कि सम स्थान पे आने वाले और विषम स्थान पे आने वाले का डिफरेंस जो होगा 0 या 11 का मल्टीपल होगा। अब देखो पी प्लस 3 प्लस 9, 9 प्लस 3 12, तो 12 प्लस पी हो गया, माइनस कर लो या प्लस कर लो, फिर यहाँ पे 3, 3, 6, 9, 9 और 3 12, 12 और 6 18, तो 18 हो गया। अब देखो पी की वैल्यू अभी भी याद करनी है, बराबर क्या है 0, तो 12 प्लस यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि पी माइनस 6 बराबर 0, तो पी बराबर आ जाएगा 6, तो कोई दिक्कत, यहाँ से 11 से ही आ गया है सीधा,
अगर आपको तुक्के फेंकने होते जल्दी जल्दी में तो 2 से फेंक सकते हो, अगर 11 का नहीं पता कि 11 का भाग कैसे दूँ क्या करूँ। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि एक व्रत दे रखा है, वो फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन, मतलब हर एग्जाम में फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, या वो त्रिभुज का हो, या वो बेलन का हो, या शंकु का हो, किसी ना किसी का, या चतुर्भुज का हो, कोई ना कोई फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आना ही आना, या घनाव का हो, घन का हो। तो आप भाई, अगर आपकी परसों एग्जाम है, कल शाम को एग्जाम है, तो सारे फार्मूले रिवाइज करके जाओ। ठीक है, तो ये देखो व्रत का क्षेत्रफल पूछा है, तो व्रत का क्या होता है, पाई आर स्क्वायर बराबर 1386 दे रखा है, अब इसको 22/7 लिखा, आर स्क्वायर किया, 1386 काटा, 22 छक्के ये 22 66, आर स्क्वायर बराबर 63×7, इसमें 7×9 63×7 9 का आ जाएगा कितना 3, और 7 का 7 तो 7 कितने 21, तो 21 आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, ये कह रहा है कि एक दुकान है, उसमें एक शर्ट है, कीमत 700 रुपये थी, उसके बाद 10% की छूट दे दी। अब 10% की तुरंत छूट दे दो, पढ़ने के साथ साथ छूट दे दो, अभी 70 हो गया, 70 याद हो गया भाई, 700 का 10% 70 ही तो होगा, कोई दिक्कत, अब रह गया कितने 630 याद हो गया। अगला क्वेश्चन पढ़ो, नगद पे उसने क्या किया, 20% और छूट दे दी, तो 20 की और छूट दे दो भाई, 20 की छूट देगा तो बचेगा क्या, 20 की छूट दोगे तो कितना होगा 63 × 2 = 126, यही तो इतनी छूट मिली उसको, तो 126 की और छूट मिल गई, तो 126 घटा दो इसमें से, तो क्या आएगा 504, कोई दिक्कत भैया। अब देखो कई लोग ऐसे कहेंगे सर मैं बी का 1/5 करूँगा, तो वो कर लो भाई, ऐसे तो 4/5 × 630 करके हो जाता, लेकिन मेरे को समझाना है जो नॉर्मल से नॉर्मल बंदे हैं उनके लिए वीडियो, आप लोग होशियार हो वो बात अलग है। अगला क्वेश्चन देखो, तो ये कह रहे 2 पिंडों की गति का अनुपात 2:3 है, ठीक है, उनकी 50 मीटर दूरी तय करनी है, उनके जो टाइम लगता है उसका अंतर है T1, मतलब T1 - T2 बराबर 10 सेकेंड। अब बता देखो, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा, इधर लगा लो, तो डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। अब T1 बराबर D1 V1 - D2 V2। अब देखो यहाँ पे V1 V2 का मान दे रखा है 2:3, अब मैं xx मान सकता हूँ, कोई दिक्कत। अब देखो डिस्टेंस दे रखे 50, तो 50 को मैं कॉमन ले लूँ, या फिर 50 चलो नहीं लेता, 50/2x - 50/3x बराबर कितना 10। अब आप कहोगे सर ये नीचे क्यों लिखा है, इसको इधर क्यों नहीं लिखा, इसको इधर लिखते हैं, इसको इधर लिखे, तो भाई वेलोसिटी जिसकी छोटी होगी उसका ही तो टाइम बड़ा होगा, इतना तो समझ आ रहा है, क्योंकि V1/T जो छोटा वो बड़ा, मतलब अनप्रोपोर्शन है, तो 50 कॉमन आ जाएगा, इसको को लोगे 6x आ जाएगा, 1/6x बराबर 10, 10×5=50, तो x बराबर कितना आ जाएगा 5/6। अब क्या कह रहा है, उनकी गति का अंतर, तो गति में कितना अंतर है, 2x - 3x - 2x, तो x ही तो है, तो x का मान 5/6 ये आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, ये कह रहा है कि एक्स वाई जेड जो है वो चौथे अनुपात में है, तो x अनुपात y अनुपात जेड अनुपात w इस अनुपात में है, तो आपने को पता है ये बराबर ये होता है, तो आप कर दो, इसका मान दे रखा है 3, इसका दे रखा है 13, इसका पूछा है, इसका दे रखा है 39, तो ये अपन ये, तो 39×3 बराबर 13×जेड, 13×3=39, तो जेड बराबर 9, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे, ऐसी बात, दिल्ली पुलिस में भी आएंगे और उसमें भी आएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, ये कह रहा है कि सभी गांव में पुरुषों और महिलाओं का अनुपात ज्ञात करना है, तो देखो भाई सभी में पूछ रहा है, तो ये जोड़ना है और जोड़ने के बाद अनुपात काट लेना, बस यही है, इसमें कोई लॉजिक नहीं है, जोड़ गुणा बढ़ा के। अगला देखो, ये कह रहा है कि वस्तु की कीमत 25% बढ़ गई, उसके फिर बाद में बिक्री कमी हुई और 30% कमी हो गई, अंतिम पूछ रहा है कितना। अब देखो क्या चेंज रहा, अब मैंने एक फार्मूला बताया था आपको, x + y + xy/100, ये बढ़ रहा है घट रहा है वो है, ये बढ़ रहा है सेकंड टर्म वो है, फिर ये दोनों वो है। ठीक है, अब पॉजिटिव अपन लेंगे जब बढ़ रहा है, नेगेटिव इंक्रीज़ हो रहा है, अगर घट रहा है यानी कीमत डिक्रीज़ हो रही है तो नेगेटिव लेंगे। अब देखो 25 बढ़ रहा है तो 25 ले लिया, 30 की कमी हो रही है -30 ले लिया, प्लस ये 20 ये -30/100, यहाँ पे क्या आएगा -5, प्लस यहाँ पे करोगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ 25 है, रुको 25, तो 25 से 75 हो जाएगा, माइनस आ जाएगा यहाँ, तो यहाँ कितना आएगा 7.5, तो टोटल कितना होगा -12.5, माइनस का 12.5, तो माइनस का आ रहा है तो मतलब कमी हो रही है, तो 12.5 आंसर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो आपको पता है कि हमारा जो फॉर्मूला था x + y + xy/100, ये 2 संख्याओं के लिए था,
दो के लिए तो दो दो को कर लो, यहाँ करोगे 10 + 22 + 220/100 तो यहाँ क्या जाएगा 32 + 2.2 ये कितना होगा 34.2। अब इस 34 का बस 5 का कर लो तो 34.2 + 5 + 34.2 × 5/100 ये काट जाएगा 20 बार, इससे काटो कितना आएगा 17.1.71 ये आएगा। अब ये कितना होगा 39.2, इसमें 1.71 जोड़ दो 1940.9 तो ये आ गया। तो अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, बी और डी में जीव विज्ञान में छात्रों की संख्या निकालनी है। अब देखो यहाँ पहला क्या दे रखा है, नामांतरिक संख्या, फिर कह रहा है कि जीव विज्ञान में छात्रों की प्रतिशत दे रखा है इसमें से इतना, तो यही है। तो अपने को ना बी और डी चिन्ह लगा लिया, इसका इतना 400 का कितना है 36% लिख सौ बटे 100 लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है लिख देते हैं फिर भी 800 का 18% इनका अनुपात पूछ रहा है। तो 100 कट गया, 4 दिन ये कट गया, 18 दिन ये कट गया, 2 कट गया, 1:1 आंसर आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अगला देखो, अगला ये क्वेश्चन है बाई के पिछले वर्ष की तुलना में गिरावट याद करनी है। तो देखो इस देख लो बाई का ग्राफ कौन सा, ये है पिछले वर्ष की तुलना में, मतलब 16 वर्ष एक्स की तुलना में, ठीक है। तो पहला देखा, पहले में 5 है कितने पे 30 पे, दूसरे में देखा यहाँ कितना है 5 है 45 पे घटा है, यहाँ पे देखा 10 है कितने 25 पे, यहाँ देखा यहाँ कितना है 10 है 50 पे, यहाँ है कितना यहाँ है 10 है 40 पे। अब देखो 10 है 25 पे, ये सबसे बड़ा इन तीरों में, और यहाँ देखो 1/9 आएगा, ये कितना आएगा 1/6, यहाँ कितना आएगा 2/5, यहाँ करोगे तो 0.4 आ रहा है, यहाँ करोगे तो कुछ और ही आ रहा है 1 करीब आ रहा है, यहाँ भी 1 करीब आ रहा है, तो 0.4 सबसे बड़ा है, तो कितना होगा 2018 वाला हो गया, ये आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन आज के क्वेश्चनों में बताया गया, आज के पेपर में क्वेश्चन आया है तो उस पर ध्यान रखना। तो देखो इसमें देखा है cos a प्लस ये बराबर m और ये बराबर a, तो आपको एक फॉर्मूला याद आ रहा होगा कि cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर 1, उसके फैक्टर करोगे तो यही होते हैं दोनों मल्टीप्लाई में। तो एक दे रखा है जैसे यहाँ पे ले लो cosec थीटा प्लस cot थीटा, यहाँ पे cosec थीटा माइनस cot थीटा बराबर 1। अब जैसे मान लो एक इनमें से दे दिया, ये मैंने m दे दिया तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/m, और इसको इसको m दे दिया तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/m। तो ऐसे ही है, दोनों को मल्टीप्लाई फार्मूला बन जाएगा जिसका मान होगा cos स्क्वायर थीटा बराबर है, जैसे m लिख दोगे तो दूसरे का मान आ जाएगा 1/m, ठीक है। तो एक का मान दे रखा है, दूसरे का उसका उल्टा होगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो, ये कह रहा है 3 नल हैं ए बी सी और 10, 20, 25 घंटे में भरते हैं। तो ऐसे क्वेश्चनों को फटाफट लिखा करो, 10, 20, 25 एलसीएम लिया 100, 10, 5, 4 ये एफिशिएंसी आ गई, ठीक है। किसी को अगर समझ नहीं आ रहा हो तो भाई ये एफिशिएंसी का रेशो है और ये राकेश सर का मेथड है, बाकी नॉर्मल मेथड बाद में बता दूंगा, ठीक है। तो ये टोटल एफिशिएंसी कितनी होगी 19, कोई दिक्कत इसमें। अगला देखो 10, 5, 15, 19 हो गया, ठीक है। अभी कह रहा है 2 घंटे बाद हमने सी को बंद कर दिया, 2 घंटे बाद बंद किया, 2 घंटे तक तो काम किया, तो 19 से 2 घंटे काम करोगे तो 38 आ जाएगा, ठीक है। अगली बार देखो ए, उसके बाद कह रहा है नल सी बंद हो जाता है, उसके बाद ए और बी चलते रहे, 4 घंटे बाद बी को बंद कर दिया, 4 घंटे बाद बी को और बंद कर दिया, ठीक है। तो भैया 4 घंटे बाद यानी कि 2 घंटे तो यहाँ हो गए और 4 घंटे बाद यानी 2 घंटे और बाद, तो 2 घंटे तक ए और बी दोनों चले तो कितना हो गया, ये 10 और 5 15, तो 15 × 2 30 और चले ये लोग, ठीक है कोई दिक्कत। तो टोटल हो गया 68 काम इन्होंने किया, उसके बाद बचा कितना काम, शेष काम इन्हें किया, तो शेष काम कितना बचा 32 बचा, 100 में से 68 घटाओगे तो वो इस ए ने किया, तो 32 तो ए ने किया ही किया, प्लस उसके अलावा 4 घंटे उसने और काम किया था, 10 × 4 घंटे तो 40 आ गया, 40 + 32 72% काम उसने 100 में से किया। तो इसमें कोई दिक्कत, अगर दिक्कत हो तो कमेंट करना सर ये वाले क्वेश्चन में दिक्कत है, मैं दोबारा बताऊंगा, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक आदमी है 24 मीटर पूर्व में जा रहा है, अरे ग्राफ बना लो, यहाँ पूरब है, नॉर्थ है, पश्चिम है और यह है, और 10 मीटर उत्तर में जा रहा है, ये उत्तर में चल दिया 10 मीटर, तो ये याद करवा रहा है। तो पाइथागोरस प्रमेय पता है ना आपको, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर यानी 24 का स्क्वायर + 10 का स्क्वायर, इसका अंडर रूट कर दो तो आपको पता है कि यहाँ क्या जाएगा,
आपको देखो सीधा बता रहा हूँ, आपको 5 12 का एक पाइथागोरस प्रमेय पता होगा, ये 5 है, ये 12 है, तो ये 13 आ जाएगा। अब इसका डबल ही तो है ये, 12 2 24 10 और 3 2 26, तो 26 का आंसर हो जाएगा। ऐसे याद कर लो, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये देखो, ये दे रखा है x+1/2, इसका मान याद करना है। ऐसे क्वेश्चन को क्या करना है, वर्क करना है फटाफट। वर्क किया एक्स उसका, तो यहाँ 4 आ जाएगा, -2 कितना आएगा, 2, यही आ रहा है ना। और देखो यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हो कि x के बराबर में 1 रख दूँ तो ये 2 आ ही रहा है, तो इसमें भी x बराबर 1 रख दो तो क्या जाएगा, 2 ही आ जाएगा। तो ऐसे भी कर सकते हो, वरना तो आपको फार्मूला ऐसे लगाना था, ऐसे लगा लो, इसमें 4 का कर लगाओगे तो क्या आ जाएगा, 1 बार वर्क और कर दो तो 2 का वर्क कितनी बारी करो तो वही आएगा 2 ही। या फिर ऐसे सॉल्व कर लो, ये x की वैल्यू 1 कैसे आई, तो गुणा करोगे तो x²+-2x+1 बनेगा ये, तो x-1 का होल स्क्वायर बन जाएगा बराबर 0, तो x=1। तो ऐसे कर लो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, ये कह रहे वृत्त की जीवा है और 9 सेंटीमीटर लंबी है, तो दीर्घ जो वृत्तखंड है यानी कि बड़ा वाला जो बस्ते का, जैसे ये है, इसमें आप कह रहा है कि ये एक वृत्त की जीवा है, कौन सी वाली, ये, और ये कह रहा है कि ये केंद्र है, ये इसकी त्रिज्या के बराबर है, तो मानो ये आर है, ये आर है, ये त्रिज्या, और ये भी आर है, तो भाई सब बराबर हो गए तो 60-60 डिग्री हो जाएंगे। अब देखो ये कह रहा है दीर्घ वृत्तखंड, अब इस जीवा के लिए लघु वृत्तखंड ये हो गया, लघु मतलब स्मॉल सर्कल, त्रिज्याखंड को इंग्लिश हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं, सेमी सर्कल पता नहीं क्या बोलते हैं, और बड़ा वाला दीर्घ हो गया, तो इस पर बना कोण ज्ञात करना है, तो भाई यहाँ से मिलाओ इसको, यहाँ से मिलाओ इसको, जब ये 60 है तो कितना हो जाएगा 30, तो इस पर बना कोण कितना है, दीर्घवृत्त के मैं इसके द्वारा अंतरित कोण क्या होगा, 30, तो ये आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 7500 रुपये इतने 8 वर्ष की आयु से 1.5 वर्ष में निवेश करते हैं तो क्या होता है। अब देखो अर्धवार्षिक कर रहा है, इसमें कैलकुलेशन होगी मेरे हिसाब से, तो मैं एक बता देता हूँ डायरेक्ट, मिसधन याद करना है, तो मिसधन वाला आपको फॉर्मूला पता है कि P × 1+R/100 की पावर टाइम, ठीक है। अब आपको अर्धवार्षिक करना है, तो अर्धवार्षिक करते हैं तो अपन क्या करते हैं, रेट जो होती है उसको कर देते हैं आधी, और टाइम कर देते हैं उसको कर देते हैं 2 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 3, टी बराबर हो जाएगा 3, आर बराबर हो जाएगा 4, और आपको 7500 तो पता ही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये तो फार्मूला लगा देना, जैसे ऐसे लगाओगे 7500 × कितना 104 आएगा, 104 का उल्टा करो 52 का 26, 26 × 25 ये करोगे, ऐसे करोगे तो ऐसे कर लेना सॉल्व, अगर ऐसे करने चाहो कि वो चलो ऐसे कर लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखता है, ये करेगी ये है 1² + 2² / 2 है, तो इसका मान याद करना है। अब देखो ऐसे क्वेश्चनों को ऐसे क्या करो, देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है a²-2 दिख रहा है, 1 भी दिख रहा है, तो आप a-1 या a+1 का होल स्क्वायर बना सकते हो, तो a²+b² यहाँ +1 -2 मैं ले लूँ तो मेरे को ज़रूरत क्या पड़ेगी, किसकी ज़रूरत पड़ेगी, किसी की नहीं, बराबर 0, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, a², a-1 का होल स्क्वायर बन जाएगा +b² = 0, तो a बराबर क्या आ रहा है 1, और b बराबर क्या 0, ये तो होगा भाई 2² जब 0 हो रहे हैं तो कोई तो रीज़न होगा, उनके अंदर की जो वैल्यू होगी वो 0 के बराबर होगी, तो इसको 0 के बराबर कर दो, इसको 0 के बराबर कर दो, तो a बराबर 1 आ गया और b बराबर 0 आ गया, तो इनका वर्क कर लो क्यों कर लो तो 1 ही आएगा। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि सुपर मार्केट है, क्रय मूल्य पर मिलता है 5.5% कमाता है और 10,000 रुपये बिक्री पे आधा परसेंट बोनस और मिलता है उसे, टोटल 1 रुपये कमाता है, ठीक है, कोई बंदा होगा या फिर कोई होगा। अब मान लो एक्स क्रय मूल्य की बिक्री हुई तो उस पर 5.5% सीधे बन गए उसके, 5.5 × 100 ये पहले बन गए उसके पूरे। अब प्लस 10,000 रुपये से अधिक हुई, यानी 10,000 रुपये से अधिक मान लो ये, रुको, तो एक्स जो है 10,000 से बड़ा है, तो x-10,000 इस पर उसे आधा परसेंट कमीशन और मिल गया, आधा मतलब 1/2 और 100 करोगे तो 1/200 हो जाएगा, ठीक है, बराबर कितना है 1990 ये कमाता है। अब काटा पीटी कर लो, ठीक है, काटा पीटी करोगे तो क्या आएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 5.5 यानी 55/1000 प्लस x/200 यहाँ पे 10,000। देखो मैं ज़्यादा वो जल्दी नहीं कर रहा हूँ इसलिए मेरे को करना पड़ रहा है धीरे धीरे, ठीक है। अब 1000 को वो मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ क्या जाएगा 55x प्लस यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करो तो 5x-50,000 बराबर कितना आएगा यहाँ पे
हज़ार से मल्टीप्लाई किया तो 19 19 0 1 2 3 0। ठीक है, अब देखो, अब इसमें 5 का भाग जा रहा है सब में, 5 का नहीं 60 है, ये कितना होगा 60x, ये 50 50 हज़ार बराबर कितना होगा 1,19,90,000। इसमें 50,000 और जोड़ लो कितना हो जाएगा 20,40,000, ये हो जाएगा। इसमें 60 का भाग दे दो x बराबर, तो दो को तो क्या आ जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी, यहाँ आ जाएगा 6 3 18 6 4 24 0 0 0। तो देखा ऑप्शन 34,000। भाई देखो समझ आ गया होगा मेरे हिसाब से, तारम समझ आया। अगला क्वेश्चन देखो, ये कह रहा है कि सामान्य बेलन है, उसकी त्रिज्या क्या है, ऊंचाई दे रखी है, ब्रेकफास्ट क्षेत्रफल दे रखा है। अब बेलन देखो, बेलन ये होता है, इसके फॉर्मूले देखो, ये ब्रेकफास्ट होता है पाई आर एच और ये पाई आर एच इधर का, तो टोटल हो गया 2 पाई आर एच, ये हो गया ब्रेकफास्ट ये। ठीक है, अब ये होता है पाई आर स्क्वायर और ये होता है पाई आर स्क्वायर, तो टोटल क्या हो गया इसका फॉर्मूला 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच। तो ये इसमें दे रखा है, तो 2 पाई आर एच बराबर दे रखा है 1386, एच का मान दे रखा है 21, 2 पाई और r इंटू 21 बराबर 1386। क्या पूछा है, त्रिज्या काटना पीटना है तो काट लो भाई, इसको लिख सकते हो 44 बटे 7 22 बटे 7 गुणा करोगे तो, अब काट लो 11 6 44 11 1 22 11 26 7 21 12 12 0 12 50 60, ये आ जाएगा 10.5। तो इसी के साथ वीडियो एंड करते हैं, मेरा टाइम काफ़ी हो गया, मेरे को और भी काम करना है, तो इसी के साथ जय हिंद जय भारत। वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करना, ठीक है।